सो गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। वापस आ चुके फिर से नए एपिसोड के साथ वापस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास दो पेन्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पेन है हमारे पास क्लासमेट का ऑक्टेन है, दूसरा है हमारे पास एक्सो, और दोनों ही 10 रुपये के पेन है। तो बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि आप इस टाइप के वीडियो बनाओ जिसमें क्लासमेट ऑक्टेन और हमारा एक्सो दोनों कंपेयर कर सकें। तो गाइस, वो वीडियो आ चुकी है आप लोगों के सामने सामने ही है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे हमारे पास है ऑक्टेन जो कि 10 रुपये की पेन है, और सेकेंड के साइड अगर बात करें तो ये है हमारी एक्सो जो कि ये भी 10 रुपये की पेन है। तो बेसिकली आज हम दोनों ही के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कुछ मोटिवेशन दिखाओ, पावर दिखाओ अपनी कि हाँ यार आप लोग हो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, न्यू न्यू वीडियोज आती रहेंगी। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप ट्राइमैक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। वही मैं थोड़े काम में फंस चुका हूँ इसलिए थोड़ी भी लेट हो रही है वीडियोज, लेकिन हाँ वीडियो जरूर आएगी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ऑक्टेन के ऊपर। तो ऑक्टेन जो है वो भी बहुत अच्छा पेन है क्लासमेट की तरफ से आने वाला, और यहाँ पे हॉसर एक्सो की तो नाम आप लोगों ने सुनी होगी क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी खासी है एक्सो की। तो बेसिकली आज सब कुछ के ऊपर बात करेंगे, डिजाइन से लेके बिल्ड क्वालिटी से लेके इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस सबके ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि दोनों ही बॉल पेन है। सो गाइस, तो सबसे पहले किसी भी पेन के लिए होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी जो कि सबसे मस्ट होती है, और यहाँ पे आपको ऑक्टेन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर किसी भी साइड से ऑक्टेन को देखता हूँ तो ऑक्टेन बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है डिज़ाइन वाइज। तो वहीं अगर हम हॉसर के एक्सो की बात करें तो एक्सो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा डिज़ाइन है। यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है एक्सो की, यहाँ पे हॉसर जर्मनी एक्सो यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो डिज़ाइन वाइज अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट ले जाता है हमारा क्लासमेट, क्योंकि क्लासमेट की डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो क्लासमेट की पेन आप जब यूज़ करते हो तो आपको फील आता है कि हाँ यार मैंने कुछ कॉस्टली सा पेन पकड़ा हुआ है हाथ में। तो बेसिकली क्लासमेट आपको वो फील प्रोवाइड कराता है कि जो आपको एक प्रीमियम ने इसकी निशानी शो कराता है। तो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। तो सबसे पहले ये जो मेड है, हम डिज़ाइन वाइज भी बात कर लेंगे, तो ये जो सबसे पहले हमारे क्लासमेट का जो बॉडी मेड है वो पूरा फाइबर, पूरा आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, वो प्रीमियम क्वालिटी का। वहीं अगर हम बात कर ले हॉसर की, तो हॉसर की पेन भी पूरी आपको प्रीमियम मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ा है इसका भी। लेकिन हाँ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे स्लिम देखने को मिलता है हॉसर आपको क्लासमेट से, क्योंकि इसकी जो ग्रिपिंग है वो बहुत ज़्यादा मोटी मिलती है आपको, थोड़ी सी रबड़िंग बहुत मोटी मिलती है, इस कारण से ये आपको थोड़ा सा हैवी पेन निकल के आ जाता है। और ये यहाँ पे जो एक्सो है वो थोड़ा सा पतला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पतला पेन पसंद हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा ग्रिपिंग मोटी चाहिए होगी, तो सबके हैंड हैंड के ऊपर की बात है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से लिख सकते हो। और ये देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे टेस्ट करते करते यहाँ पे ऑक्टेन को यहाँ पे हैंड पे ही कर लिया, तो उसको आप इग्नोर करके चलो, ये बच्चों वाली चीज़ हो गई। और अगर दोनों की बॉल पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं आप बॉल पॉइंट कितना ज़्यादा शार्प है दोनों की। ये है हमारी एक्सो की बॉल पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है, और यहाँ पे इसकी भी हम बॉल पॉइंट ऑक्टेन की बॉल पॉइंट देख सकते हैं आप। तो ये थोड़ी सी आपको मोटी निकल के आती है। मुझे दोनों की ही अगर बात कर ले तो दोनों ही पेन्स आपको बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। बेसिकली हम देखेंगे राइटिंग टेस्ट में कि आखिर राइटिंग टेस्ट में कौन सा पेन आगे निकल, कौन से पेन में स्मस आपको नहीं होता है दोनों ही पेन्स में से कौन सा। तो चलिए सबसे पहले हम राइटिंग टेस्ट पर चलते हैं, देन हम बात करेंगे आगे क्या है कैसा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हमारा जो एक्सो है उसका हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सो का बहुत ज़्यादा नाम है मार्केट में भी, तो ऑफ कोर्स सी बात है हम हॉसर का ही टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, लिखते हैं क्योंकि ये बहुत दिनों से रखा हुआ था। तो हॉसर एक्सो और यहाँ पे लिख देते हैं बॉल, यहाँ पे लिख देते हैं पेन। तो हॉसर की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तगड़ी है, राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ, बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है लिटरली। और यहाँ पर अगर बात करें हम क्लासमेट की, तो क्लासमेट से हम राइट करते हैं। बेसिकली ये ब्लैक पेन है हमारे पास क्लासमेट का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्लासमेट, यहाँ पे लिखते हैं ऑक्टेन, क्योंकि ऑक्टेन जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी सीरीज़ है, मतलब बेसिकली सबसे बिकने वाली सीरीज़ भी मैं बोलूँगा क्लासमेट की तरफ से, ऑक्टेन बॉल पेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की ही राइटिंग, और यहाँ पे राइटिंग एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा दोनों की ही बहुत तगड़ी है। लेकिन हाँ अगर ग्रिपिंग के मामले में आप बोलोगे तो क्लासमेट बेटर निकलता है, और वहीं पर अगर आप बोल दो राइटिंग वाइज, तो राइटिंग वाइज मुझे हॉसर ज़्यादा पसंद है क्योंकि स्मूथ ज़्यादा आपको मिलता है, पहले स्मस आपको ये नहीं हो रहा है। हमारे पास क्लासमेट का पेन जो है वो स्मस नहीं होता है बेसिकली, हॉसर का देखते हैं हॉसर भी स्मस नहीं हो रहा है। तो बॉल पेन बेसिकली दोनों में से कोई भी आपको स्मस नहीं हो। और अगर बात कर ले OMR फिलिंग की, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें OMRs आते हैं, तो आप अगर OMR फिलिंग करते हो तो मुझे लगता है क्लासमेट आपको OMR फिलिंग में भी बहुत काम आएगा, कोई भी एग्जाम वगैरह में आपको OMR फिलिंग में बहुत सही काम आने वाला है क्लासमेट हमारा। अगर वहीं पर हॉसर की बात करें तो हॉसर भी बहुत तगड़ी स्पीड से हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पेन्स आपस में बहुत अच्छे खासे कंप्लीट कर पाते हैं। तो बेसिकली मोटिव इसी यही था इस वीडियो का कि आप लोग कौन सा पेन परचेस करो, ऑक्टेन का परचेस करो या हॉसर की परचेस करो। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फाइनली आप लोगों को कौन सा पेन परचेस करो। तो अगर मेरी बात करो तो मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा क्लासमेट का ऑक्टेन परचेस करने के लिए, क्योंकि जो लोग को बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, कलर अच्छा चाहिए, राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छी चाहिए, ऊपर से लॉन्ग टर्म राइटिंग करते हो, तो उसके लिए आप ऑक्टेन है क्योंकि इसका पैड बहुत सही है जो कि ग्रिपिंग पैड बोलते हैं, तो वो चीज़ इसकी क्लासमेट की बहुत सही है, बहुत तगड़ी है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग ऑक्टेन परचेस कर सकते हो। और जो लोगों को थोड़ी सी पतली पेन चाहिए, जो लोग चाहते हैं सिर्फ अच्छी राइटिंग हो, पतली पेन हो, डिज़ाइन से उनको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी से पड़ता है, तो बिल्ड क्वालिटी हॉसर की भी बहुत सही है, आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म अगर राइटिंग करते हो तो हॉसर में हो सकता है बहुत लोगों को स्वेटिंग होती है, तो इसके कारण से स्लिप हो,
तो ऐसा आपको कुछ ऑक्टेन में देखने को नहीं मिलता है। तो सो मैं बोलूंगा अगर आप राइटिंग वाइज परचेस करना चाहते हो तो हॉस्टल परचेस करो, और नहीं आप लोग अगर एक ऑलराउंडर पेयर चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको क्लासमेट ऑक्टेन की तरफ जाना चाहिए। सो गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले लाइक मारो, क्योंकि लाइक नहीं करते आप लोग। सो प्लीज जो इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज यार लाइक कर दो, जिससे कम से कम मैं आगे बढ़ पाऊँ, थोड़ी सी वीडियो रिकमेंड हो लोगों को, और ऐसे ही मैं तगड़ी तगड़ी वीडियोज आप लोगों के लिए स्टेशनरी की इन फ्यूचर भी लाऊं। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम किस पे लाएं इस पे भी जरूर आप लोग अपना विचार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।